फोन करके तरह तरह की बातें करते हैं, तो भैया एक बाप की औलाद हो तो अपने नंबर से फोन करो, ना तो कोई मुकदमा करूंगा ना पुलिस के पास जाऊंगा, खुद की बाजुओं में इतनी ताकत है कि घर से उठा लूंगा और इलाज कर दूंगा। साथियों को क्रांतिकारी जय भीम। अभी निकला हूं कुछ जिम्मेदार साथियों से मिलने के लिए 3 तारीख के आंदोलन के लिए। मेरा आप सभी साथियों से आग्रह है फालतू की चीजों पर ध्यान ना देकर, क्योंकि हम भीम आर्मी के लोग हैं, डरने वाले नहीं है। इलाज करना हम बहुत अच्छे से जानते हैं, बहुत बेहतर जानते हैं, क्योंकि हम भाई एडवोकेट चंद्रशेखर आजाद जी के नेतृत्व में काम करते हैं, उनके कार्यकर्ता हैं। तो डर तो कहीं हमारे आसपास नहीं फटकता है। आप सभी साथियों से बस यही अपील करता हूं कि आप सभी साथी 3 तारीख एमएस तिराया मिलिट्री हॉस्पिटल पर रुड़की में जो आंदोलन होगा, आप सभी साथी एमएस तिराहे पर 11 बजे पहुंचे। वहां से पैदल मार्च करते हुए हम लोग ज्वाइंट मजिस्ट्रेट कार्यालय रुड़की पहुंचेंगे। और हाँ, मेरी आप लोगों से अपील भी है, रिक्वेस्ट भी है, और संगठन के समस्त कार्यकर्ता पदाधिकारियों को आदेश भी है, जो जिंदा हैं वो इस आंदोलन में आना, नहीं तो जिनका जमीर मर चुका है, जो समाज के प्रति जागरूक नहीं है या जानबूझकर वो समाज के कार्य को आगे नहीं बढ़ाना चाहते हैं, तो उनसे मेरी एक अपील है कि आप लोगों का अगर जमीर मर चुका है तो आप इस आंदोलन में जो साथी बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहे हैं उनका मनोबल डाउन ना करें। और ये टटपूंजिए जो इंटरनेट कॉल के माध्यम से फोन करके तरह तरह की बातें करते हैं, तो भैया एक बाप की औलाद हो तो अपने नंबर से फोन करो, ना तो कोई मुकदमा करूंगा ना पुलिस के पास जाऊंगा, खुद की बाजुओं में इतनी ताकत है कि घर से उठा लूंगा और इलाज कर दूंगा। तो आप सभी साथियों से मैं आग्रह करता हूं 3 तारीख मेरे समाज के लोगों से मेरी अपील है, और मेरे मुस्लिम समाज के साथियों से, बहुजन समाज के साथियों से मेरी अपील है कि 3 तारीख जमीर जिंदा है तो 3 तारीख को एमएच हॉस्पिटल पर पहुंच जाना, नहीं तो बाद में मत रोना कि हमारे साथ में गलत हुआ और हमारे साथ में कोई खड़ा नहीं हुआ है। आज राजस्थान प्रदेश के 2 मुस्लिम साथियों के साथ गलत हुआ है, कल को आपके साथ भी हो सकता है, फिर दुहाई मत देना कि समाज ने आपका साथ नहीं दिया है। जब तुम मुश्किल वक्त में समाज के साथियों के साथ खड़े नहीं होंगे तो तुम्हारे साथ कोई खड़ा नहीं होगा। तो अपील कर रहा हूं आप लोगों से ज्यादा संख्या में पहुंचे, किसी भी प्रकार से घबराने की डरने की आवश्यकता नहीं है। आंदोलन को बड़ी शांतिपूर्ण तरीके से, भीम आर्मी जिस प्रकार से आंदोलन को करती है, आजाद समाज पार्टी के लोग जिस प्रकार से आंदोलन को करते हैं, उस आंदोलन को उसी प्रकार से किया जाएगा। बड़े शांतिपूर्ण तरीके से हम पैदल मार्च करते हुए प्रशासन को भी ये विश्वास दिलाते हैं कि आपको बिल्कुल भी दिक्कत परेशानी नहीं आने देंगे और शांतिपूर्ण तरीके से इस आंदोलन को सफल करेंगे, और आपको उन लोगों के लिए भी परेशान होने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी जो लोग इंटरनेट कॉल के माध्यम से धमकियां देते हैं, मुसलमानों को गालियां देते हैं। तो आपको परेशान होने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, उनका इलाज मैं खुद कर दूंगा। इतना सक्षम मैं अपने समाज के माध्यम से उत्तराखंड प्रदेश के अंदर हूं कि अगर कोई आमने सामने की बात करे तो इलाज बहुत अच्छे से करना जानता हूं। जय भीम जय भारत।